इसमें डबल मोनोशॉक शॉकर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्प्रिंग के साथ दिया हुआ है। तो मैं आता है डीजल ऑटो में, वही सस्पेंशन लगा हुआ है इसमें, वही ब्रेक्स यूज होता है, वो पलटी मार जाता है फ्रेंड्स। ये बस इतना ही वीडियो में ये था, अब आपको दिखाते हैं हम, चलिए टुक टुक के बारे बताते हैं कि बेस्ट ये है या वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेश है फ्रेंड्स महिंद्रा ट्रियो प्लस, इसको अब हम बताएंगे आपको इसके बारे में, इसमें क्या चीज क्या महिंद्रा ने दिया है फीचर्स। सबसे पहले दिखाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ये हम लोग दे दिया है लाइट, जो हाइलोजन बीम है, ये भी हाइलोजन इंडिकेटर है, एलईडी में नहीं मिलता देखने को। फिर प्लस हम लोग को यहाँ पे दिखता है मीटर कंसोल, आप देख पा रहे होंगे मीटर कंसोल। तो बैटरी अभी है और चलेगा हम लोग का गाड़ी 96 किलोमीटर और चल जाएगा अभी, और बैटरी हम लोग का आधा हो चुका है फ्रेंड्स, और ये गाड़ी 150 किलोमीटर चलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है पावर इको मोड, इससे पावर और इको मोड में चला सकते हैं। इधर कीजिएगा तो इको मोड में चलेगा, इधर से चलाइएगा तो फुल पावर मोड में चलेगा। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया रिवर्स। और यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को हॉर्न, इंडिकेटर, फिर हाई बीम लो बीम मिलता है देखने को। फिर हम लोग को देखिए साइड मिरर व्यू, देखिए जो लुकिंग ग्लास बोलते हैं वो देखने को दोनों साइड मिलता है, ये दिया हुआ है। फिर आपको हम दिखाते हैं इसका ब्रेक सिस्टम, तो ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हेलो व्हील, ये ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं कितना ऊंचा है जमीन से। शॉकर दिया हुआ है मोनो शॉकर, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक अवेजिंग मिलता है। ये टेल लैंप देख रहे हैं, महिंद्रा का यहाँ पे लिखा हुआ नाम आता है, यहाँ पे टेल लैंप दिया हुआ है। बम्पर, रियर बम्पर दिया हुआ है, देख सकते हैं ये दिया हुआ है। इधर से फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, जो स्टिकरिंग का लोगो दिया हुआ है, जो अच्छा लगता है देखने को। ये देख रहे हैं चक्का लेंथ अच्छा है, ये ग्राउंड क्लियरेंस भी है इसका, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बैटरी यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, देखिए अब देख रहे हैं एक साइड का अलग से बैटरी दिया हुआ है। ये इंडिकेटर लाइट और हॉर्न के लिए दिया हुआ रहता है ये वाला बैटरी, आपको बताता है मेन बैटरी को। तो देखिए इसको बैटरी दिखा रहे, देखिये लिथियम आयन बैटरी है इसमें लगा हुआ फ्रेंड्स। ये 2-3 पीस का बैटरी आता है इसमें, ये माइलेज देता है गाड़ी 150 किलोमीटर चलता है फुल चार्ज करने के बाद। मदरबोर्ड है, ये सब देख रहे हैं जितने सॉकेट सब लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है इसमें। इसके बाद इसका हम दिखाते हैं आपका अगला फंक्शन इसका, ये रहा हम लोग का ट्रियो का हैंड ब्रेक, ये देख रहे हैं ये लीवर दबा के डाउन कर देते हैं, ये हैंड ब्रेक है ट्रियो का, ट्रियो प्लस है ये। इसका दिखाते हैं ब्रेक सिस्टम, ये देखिए जो महिंद्रा का जो ऑटो में आता है डीजल ऑटो में, वही सस्पेंशन लगा हुआ है इसमें, वही ब्रेक्स यूज होता है, सिर्फ चक्का चेंज है फ्रेंड्स, इसका जो चक्का आता है वो चेंज किया हुआ है। अब ब्रेक सिस्टम वही लगा हुआ है, इसका फ्रॉग भी वही चीज दिया हुआ है जो महिंद्रा का डीजल में था। और यहाँ पे देखिए क्रोम फिनिशिंग का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका लोगो। ग्राउंड क्लियरेंस लेंथ दिखाते हैं कितना लेंथ का गाड़ी है ये, आप देख पा रहे होंगे लेंथ इसका चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई इसका चौड़ाई के कारण ये पलटता नहीं है फ्रेंड महिंद्रा ट्रियो। और जो लाल या टुक टुक जिसको बोलते हैं हम लोग क्वीन टुक टुक, वो थोड़ा सा भी दाएं बाएं होता है, थोड़ा सा भी गड्ढा में वो पलटी मार जाता है फ्रेंड्स। ये बस इतना ही वीडियो में ये था, अब आपको दिखाते हैं हम, चलिए टुक टुक के बारे बताते हैं कि बेस्ट ये है या वो है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आ गए आनंद ट्रक में, आपका स्वागत है। आपको हम बताएंगे इस गाड़ी के बारे, जो जिम क्वीन है, इसमें इसके बारे में हम बताएंगे, इसमें क्या चीज फीचर्स है, क्या चीज कितना माइलेज देता है,
और कितना बैटरी चलता है इसका, कितना देर में चार्ज होता है फ्रेंड्स, कितना बैटरी इसमें लगा हुआ रहता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। चलिए आपका गाड़ी का सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम लोग को सिंगल हाइलोजन बल्ब मिलता है, सिंगल मिलता है फ्रेंड्स, दोनों साइड हम लोग को इंडिकेटर मिलता है देखने को। इसमें डबल मोनोशॉक शॉकर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्प्रिंग के साथ दिया हुआ है। जो हम लोग को देखे थे ट्रियो प्लस में वही व्हील लगता है इसमें, अलाइबुल इसमें अलग से देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करें इसका मीटर कंसोल का, तो सबसे पहले हम लोग की ऑन कर देते हैं। तो हम लोग की हो गया ऑन, आपको दिखाते हैं इसका मोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है फ्रंट मोड में, रिवर्स मोड हो गया ये, ये होगा फ्रंट मोड हो गया, इसे फ्रंट चलेगा गाड़ी, ऐसे रिवर्स चलेगा हम लोग का, आप देख पा रहे होंगे जैसे इसमें देता है वैसा ही बाइक टाइप का इसका दिया हुआ है लाइट जलाने के लिए। आई अपर डिपर इंडिकेटर, ये होरन है हम लोग का, इधर ही साइड देख पा रहे होंगे तो साइड व्यू मिरर, ये दोनों साइड लगा हुआ हम लोग का साइड व्यू मिरर लगा हुआ है। तो अब हम इसका ब्रेक सिस्टम दिखाते हैं आपको, कि आप देख पा रहे होंगे ब्रेक ऐसा दिया हुआ है ब्रेक, इसका हैंड ब्रेक दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। ये रहा हम लोग का हैंड ब्रेक, ऐसा अगर इंगेज होगा ऐसा करके हम लोग का होगा तो हैंड ब्रेक हट जाएगा। इसका जो अलाइज जो देखने को मिलता है, तीनों का तीनों अलाइज जो महिंद्रा ट्रियो में लगा हुआ रहता है वही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका सेम है, महिंद्रा का जो है वैसा ही दिया हुआ है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। बस मुझे एक कमी लगा फ्रेंड्स कि हम लोग का ये साइड लेंथ, ये दोनों साइड का जो लेंथ है गाड़ी का ये थोड़ा कम है। हम लोग का ये बम्पर देखने को मिलता है पीछे में, हम लोग को तीन लगता है, तीन को आता है हम लोग का, इंडिकेटर ब्रेक लाइट या रिवर्स लाइट जो जलता है वो देखने को मिलता है हम लोग को दोनों साइड पे। यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग है जिम क्वीन का, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिम क्वीन, स्टार रेटिंग के साथ है इसमें। और हम लोग को देखने को फिर से मिलता है, देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टेपनी के लिए दिया हुआ है अलग से, तो स्टेपनी इसमें लगा हुआ नहीं है फ्रेंड्स ये अभी। इसमें कितना बैटरी आता है वो हम बताते हैं आपको। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है ये सूखा सेल में नहीं आता, ये पानी वाला बैटरी आता है फ्रेंड्स, दोनों साइड चार को बैटरी इसमें लगता है, कंपनी की ओर से देखने को मिलता है चार बैटरी इसमें मिलता है। ये इधर दो को है, ये साइड हम लोग का दो को बैटरी दिया हुआ आता है, चार बैटरी का। इसका माइलेज हम बता दे रहे फ्रेंड्स, तो 100 किलोमीटर प्लस चलता है ये गाड़ी, ये जिम क्वीन है जो 100 किलोमीटर प्लस चलता है। और इसमें और एक दो फीचर आपको हम बताते हैं इसमें। इसमें हम लोग को देखने को मिलता है डबल सीट, ये साइड दोनों साइड सीट देखने को मिलता है जिम क्वीन में। और आपका महिंद्रा ट्रियो प्लस में सिंगल सीट इधर से ही मिलता है, और फ्रंट सीट जो यहाँ पे मिलता है महिंद्रा में बस इतना ही मिलता है, इसमें बीच में सीट अलग से दिया हुआ नहीं रहता है फ्रेंड्स। इसमें आप एक्स्ट्रा सवारी इसमें पैसेंजर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम लोग को ग्राउंड क्लियरेंस जो साइड व्यू है उसमें थोड़ा कम मिलता है, तो इसमें गाड़ी पलटने का चांस इसमें थोड़ा सा चांस बढ़ सकता है, बढ़ जाता है जब गड्ढा उड्ढा में ज्यादा जोर से गड्ढा में पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये गाड़ी पलटने का चांस बढ़ जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आनंद ऑटो टेक चैनल को।